को समझने के लिए, और इंद्रियां दी हैं, ना कि सिर्फ सुख भोगने के लिए। या फिर जब कन्वर्जन माफिया हमारे धन पर अटैक करे तब हम चुप रहे? नहीं, जब बॉलीवुड माफिया हमारे धर्म का निरंतर मजाक बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है तब हमें आनंद कैसे आ सकता है? जब हमारा खून खोलना चाहिए तब हमारे बच्चे हंसते हैं। इट्स वेरी शॉकिंग। इतने कमजोर तो नहीं थी हमारे सनातन धर्म की जड़ें? कहीं तो हमारी कमी है, हमने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया। धर्म और कर्म को ना समझने वालों के लिए वो कुछ नहीं है, और समझने वालों के लिए इतना है कि लोगों ने उसके लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए। और जो शिक्षा पद्धति हमें अपने धर्म और कर्म से विहीन बनाए, वो शिक्षा शिक्षा नहीं। या फिर अखबार दी ग्रेट पढ़ाए, अगर अखबार दी ग्रेट है तो फिर भीष्म पिता माँ की प्रतिज्ञा क्या है, अगणित क्षत्राणियों का जौहर क्या है, सन 57 की क्रांति क्या है? अगर अखबार दी ग्रेट है तो फिर 17 बार गौरी को प्राण दान देना क्या है? अगर अखबार दी ग्रेट है तो फिर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का बलिदान क्या है, और बालपन में सिंहों से खेलने वाले वीर शकुंतला पुत्र भरत का साहस क्या है, और वो 5 और 7 वर्ष की आयु में धर्म पर मिटने वाले फतेह सिंह और जोरावर सिंह की गाथा क्या है? अगर अखबार दी ग्रेट है तो फिर केसरी का बलिदान क्या है? अगर अखबार दी ग्रेट है तो अखबार दी ग्रेट आई कांट एक्सेप्ट, क्योंकि ये धरती ये धरती ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती है पौरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती है ताहिर सेन की। इसीलिए हमारा संगठन अपने ध्येय में ये भी शामिल करता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को सही इतिहास पढ़ाएंगे और उसे सही संस्कार देंगे। और अब मैं एक रचना के साथ अपने शब्दों को यही विराम दूंगी कि भारत माँ अपने ही भार से दुखी, फटने को एक तप्त ज्वालामुखी, कहाँ है हमारे वीर पुत्र आजकल, और कहाँ खोया उनकी भुजा का बल, शौर्य हिंदू जाति का सुषुप्त हो गया,